वहीं बलिया में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हुआ और घायल को वाराणसी रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। फेफना थाना अंतर्गत NH 31 पर ये बड़ा हादसा हो गया है। रात में 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि फेफना से चितवड़ा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर एक चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त दुर्घटना में मौके पर ही 3 लोगों की, जो गाड़ी में सवार थे कुल 5 लोग, उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 लोगों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनको उच्च इलाज हेतु हायर सेंटर पर रेफर किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की दौरान इलाज और मृत्यु हो गई है। शेष एक व्यक्ति का इलाज BHU में चल रहा है, जिनकी स्थिति ठीक है, वो खतरे से बाहर है। उक्त घटना के संबंध में पोस्टमार्टम एवं अन्य वैधानिक। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से संवाददाता मनोज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस हादसे को लेकर जानकारी दीजिए। जी, आपको बताते चले कि कल जो है शादी समारोह था, जो बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाने से एक बारात निकल करके फेफना थाने के रामगढ़ गांव में जा रही थी, उसी में ये सभी लोग बाराती थे, लेकिन देर रात तक ये शराब के नशे में सड़क पर झूमते रहे और पुनः शराब की बॉटल खरीदने के लिए जा रहे थे कि अचानक ये पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, गाड़ी पलट गई, जिसमें ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को हॉस्पिटल में ले जाते वक्त उसकी मौत हुई, इलाज के दौरान हुई, और पांचवे की जिंदगी और मौत से जो जूझ रहा है वह इस समय BHU ट्रामा सेंटर में है। जी, और मौके पर जो है पुलिस पहुंच करके सारी व्यवस्थाएं को नियंत्रित की। पुलिस यहां से सभी डेड बॉडी को मर्चरी पहुंचा चुकी है। जी जी, चलिए ठीक है मनोज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।